दोस्तों, USS के एनिमल्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दुनिया के एक बहुत ही खतरनाक बंदर मैंड्रिल के बारे में। दोस्तों, मैंड्रिल पुरानी दुनिया के बंदर परिवार का एक प्राइमेट है। मैंड्रिल दक्षिणी कैमरून, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो में पाए जाते हैं। मैंड्रिल ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और बहुत बड़े समूहों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंड्रिल का पेट गहरा हल्का भूरा रंग का होता है और इसके पेट पर काले पीले धब्बे होते हैं। इसके बालों रहित चेहरे में विशिष्ट विशेषताओं के साथ एक लंबा थूथन होता है। इसके थूथन में लाल पट्टी और किनारों पर उभरी हुई नीली लकीरें होती हैं। इसके होठों का रंग लाल व दाढ़ी पीली सफ़ेद रंग की होती है। जवान मैंड्रिल का रंग ज़्यादा स्पष्ट होता है। नर व मादा दोनों मैंड्रिल में छाती की ग्रंथियां होती हैं। नर मैंड्रिल मादा मैंड्रिल की तुलना में थोड़े लंबे होते हैं। नर मैंड्रिल का औसतन वजन लगभग 23 किलोग्राम और मादा मैंड्रिल का वजन लगभग 14 किलोग्राम होता है। मैंड्रिल एक सर्वाहारी है। यह आमतौर पर पौधों का सेवन करता है तथा यह फल खाना ज़्यादा पसंद करता है। इसके अलावा मैंड्रिल पेड़ों के पत्ते, बेल, छाल, तना, रेशों, मशरूम, मिट्टी और मांसाहारी रूप से यह चींटियां, दीमक, गिरगट, मकड़ियां, घोंगे, बिच्छू, अंडे, जंतु, छोटे पक्षी, मेंढक, चूहे खाता है। मैंड्रिल के पंजे के नाखून नुकीले और धारदार होते हैं जो इसे शिकार करने में मदद करते हैं। मैंड्रिल सबसे अधिक यौन द्विरूपी स्तनधारियों में से एक है। मादा मैंड्रिल का गर्भकाल लगभग 180 दिनों का होता है। मादा मैंड्रिल एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय बच्चे के शरीर का रंग काला और त्वचा गुलाबी रंग की होती है। बच्चों की परवरिश ज़्यादातर मादा मैंड्रिल ही करती है। मैंड्रिल ज़्यादातर तेंदुए के द्वारा शिकार किए जाते हैं या फिर जब यह किसी जहरीले सांप को पकड़ लेते हैं तो सांप के काटने की वजह से मर जाते हैं। मैंड्रिल ज़्यादातर स्थलीय होते हैं और ज़्यादातर दैनिक भी होते हैं। यह अपना भोजन दिन के समय में ही खोजते हैं और यह हर रात एक अलग जगह पर पेड़ों पर सोते हैं। मैंड्रिल बंदर का औसतन जीवन काल लगभग 20 से 22 साल होता है।